नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब चालाक चीन पर अपनी नजर और भी पैनी करेगा भारत। LAC पर सर्विलांस सिस्टम में होंगे बड़े बदलाव। जी हाँ, बीते साल गलवान घाटी हिंसा के बाद से भारत और चीन के रिश्ते बेहद तल्ख हैं। वहीं सीमा विवाद को लेकर कई दौर की वार्ताओं के बाद भी मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच भारत अब ड्रोनों, सेंसरों, टोही विमानों और इलेक्ट्रिक युद्ध के औजारों के जरिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों पर पहले से ज्यादा पैनी नजर रखने की तैयारी में है। इस कदम के पीछे का बड़ा मकसद ड्रैगन की घुसपैठ को कोशिश को रोकना है। गौरतलब है कि सेना ने पिछले महीने एक भारतीय कंपनी के साथ 140 करोड़ रुपए के डील पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के तहत एडवांस वर्जन के स्विच ड्रोन खरीदे जाएंगे। एक सूत्र में कहा गया है कि ऐसे ड्रोन आने से रणनीतिक स्तर पर हमारी निगरानी प्रणाली में बदलाव आएगा। LAC पर बटालियन कमांडरों और सैन्य टुकड़ियों को पल पल की स्पष्ट तस्वीरें मिलेंगी। साथ ही इसराइल से 3 से 4 हेरॉन AUV को लीज पर लेने की भी बात चल रही है। इसके अलावा वायुसेना के लिए हेरॉप कैमेज अटैक ड्रोन भी खरीदे जाने हैं। इधर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बॉर्डर ऑब्जर्वेशन एंड सर्विलांस सिस्टम को लगभग विकसित कर लिया है। इससे कई सेंसर सिस्टम लगे हैं, जिसमें चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की उम्मीद, 5 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। जी हां, रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी पेट्रोल कीमतों का जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार से ऊंची पेट्रोल डीजल कीमतों पर राहत देने की सिफारिश की है। मंत्रालय ने कहा है कि उत्पाद शुल्क में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दी जा सकती है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना काल में पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क में अगर 50% कटौती कर दी जाए तो पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक नीचे आ सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने पेट्रोल पर एकमुश्त 10 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाया था। मंत्रालय ने कहा कि अगर उत्पाद शुल्क में कटौती की जाती है तो उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों को भी सहयोग करना होगा। उन्हें वैट में कटौती के लिए केंद्र से सहमति जतानी होगी। मंत्रालय का कहना है कि उत्पाद शुल्क में कटौती के अलावा वैट घटाने और तेल कंपनियों से भी कुछ बोझ उठाने के लिए कहा जा सकता है। सरकार जल्द ही उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है, जिसके बाद पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईवे पर हादसा होते ही एम्बुलेंस को हो जाएगी खबर, बनेगा ऐसा हाईटेक सिस्टम। जी हाँ, सड़क हादसा होते ही तुरंत घायलों को इलाज मिले, इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक अहम योजना पर काम कर रहा है। ऐसी तकनीकी व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसा होते ही तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को खबर हो जाएगी। GPS सिस्टम के लैस एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। इसी तरह सड़क हादसे को रोकने की दिशा में भी मंत्रालय कई नई योजनाओं पर भी स्वयं कार्य कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने बताया कि रोड सेफ्टी की दिशा में इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पर काम चल रहा है। एम्बुलेंस, पुलिस, कंट्रोल रूम, हॉस्पिटल सभी के एक नेटवर्क से जुड़ने की सड़क हादसे के शिकार लोगों को तुरंत इलाज मिलना संभव होगा और राहत एवं बचाव कार में भी सुविधा होगी। हादसा होते ही रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ ही समय में सड़क हादसे के शिकार लोगों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम भी शुरू होगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से भी बात चल रही है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम आने से पीड़ित परिवारों को काफी फायदा होगा। ये योजना सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप लाई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि योजना लॉन्च होने के बाद सड़क हादसे के शिकार लोगों का 2.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना को मिली 1 लाख मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट, समय से पहले हुई डिलीवरी। जी हां, सेना को केंद्र सरकार ने 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट का तोहफा दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने आर्मी चीफ को भारत में बनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट सौंपी है। इस मौके पर बोलते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सैनिकों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सैनिकों की सुरक्षा सबसे अहम है। श्रीपद ने कहा कि सरकार आश्वस्त करेगी कि सैनिकों को बेहतरीन हथियारों के साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों को मुहैया करवाया जाए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना के तहत मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट का बनना एक बेहतरीन कदम है। ये कंपनी न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में इस तरह के उत्पाद का निर्यात कर रही है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LED लाइट की रोशनी पड़ेगी महंगी, कंपनियों ने दिए 5 से 10% महंगे होने के संकेत। जी हां, आने वाले दिनों में आपको LED लाइट्स के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कंपनियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दाम में करीब 5 से 10% बढ़ोतरी की जा सकती है। दरअसल कुछ कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने से बल्ब सहित LED लाइट
प्रोजेक्ट की कीमतें 5-10% तक बढ़ सकती हैं। खबर के मुताबिक घरेलू मैन्युफैक्चरर्स ने इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो सरकार के इस मुद्दे से तत्काल हल की मांग कर रहे हैं। एल्कोमा के अध्यक्ष सुमित जोशी ने कहा कि सरकार के LED लाइट प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट और कलपुर्जों पर शुल्क बढ़ाने के फैसले से स्थानीय रूप से बनी लाइट प्रोडक्ट्स के लिए कम समय में मूल्य बढ़ोतरी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भारत में लोकल फैक्ट्रीज की कमी के चलते करीब अभी इलेक्ट्रिक डिवाइस का इंपोर्ट किया जाता है और इसीलिए LED लाइट्स अभी भी 10% बढ़ सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, अब सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदनी है तो KYC है जरूरी, देना होगा पैन और आधार कार्ड। जी हाँ, अगली बार जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएं तो साथ में अपना KYC डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएं, जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्वेलर्स ने अब 2 लाख रुपए की कम की गोल्ड खरीदारी पे भी KYC डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर दिया है। ज्वेलर्स को डर है कि सरकार कैश लेन देन पर KYC जरूरी कर सकती है, जबकि अभी 2 लाख रुपए से ज्यादा पर ही KYC अनिवार्य है। कहा जा रहा है कि नए नियमों के तहत 1 रुपए की खरीद पर भी KYC देना होगा। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अब ज्वेलर्स को अपने पास रखना होगा। मामले में पकड़े जाने पर 3-7 साल की सजा का प्रावधान भी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर गाड़ी लेकर निकलने से पहले जान लें सभी नए नियम, जिन्हें तोड़ने पर देना होगा 10,000 रुपए फाइन। जी हां, सरकार ने यातायात नियमों की कड़ाई से पालन कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इसके लिए सरकार के कई नए रूल्स भी बनाए हैं जो मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप हैं। सरकार ने नए रूल्स में यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य में नया यातायात जुर्माना लागू किया है। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि वाहन चलाते समय टोबैको खाकर थूकने, ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट न पहनने या नशे में गाड़ी चलाने पर दंड के तौर पर भारी जुर्माना वसूला जाए। जाने कौन से नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना देना पड़ सकता है आपको। सरकार ने नए नियमों में कहा है कि सड़कों पर तंबाकू खाकर थूकने पर आपको 1,000 रुपए तक का चालान देना पड़ सकता है। गाड़ी में बैठे बच्चों के सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपए, बिना हेलमेट के 2-पहिया वाहन चलाने पर भी 1,000 रुपए, 2-व्हीलर्स पर ट्रिपलिंग करने पर 1,000 रुपए, कार के इंडिकेटर का उपयोग किए बिना मोड़ लेने पर 500-1,500 रुपए, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर 500-1,500 रुपए, कारों पर जाति, राजनीतिक या धर्म के स्टिकर के उपयोग करने पर 500-1,500 रुपए, प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने पर 10,000 रुपए, एम्बुलेंस को साइड नहीं देने पर 10,000 रुपए, शराब सेवन करने की बाद ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने ये नए नियम लागू किए। जी हाँ, यूपी में मकान मालिकों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोई भी मकान मालिक बिना अग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख सकते हैं। यूपी सरकार इसको लेकर कानून बनाने जा रही। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में बिना अग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा। मकान मालिक को इसकी जानकारी किराया प्राधिकरण को भी देनी होगी। योगी सरकार मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने वाले मकान मालिकों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही, को लेकर कानून बनाया जा सकता है। नए नियम अनुसार अगर कोई किराएदार 2 माह किराया नहीं दे पाएगा तो उस मकान मालिक से उसे हटा सकेगा। नए नियम अनुसार किराएदार मकान मालिक से बिना पूछे तोड़फोड़ भी नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि यूपी सरकार उत्तर प्रदेश नगरी परिसर किराएदारी विनियम अध्यादेश लाने जा रही। इसके तहत मकान मालिक और किराएदार के लिए कई तरह के नियम लागू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही जानवरों के साथ क्रूरता करने पर लगेगा 75,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की हो सकती है जेल। जी हाँ, जल्द ही जानवरों को घायल करने या मारने वाला 50 रुपए का जुर्माना भरकर भाग नहीं सकता है। सरकार ने 60 साल पुराने PCA कानून में संशोधन के लिए एक मसौदा तैयार किया। इससे किसी व्यक्ति या संगठन के कार से पशु की मृत्यु होने पर जुर्माना 75,000 रुपए या पशु की लागत की 3 गुना करने का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा 5 साल तक की सजा या दोनों का प्रस्ताव किया गया है। मसौदे में 3 श्रेणियों में अपराधों का प्रस्ताव किया गया। इसमें मामूली चोट, बड़ी चोट जो स्थायी विकलांगता का कारण बनती है, और क्रूर अभ्यास के कारण पशु की मृत्यु शामिल है। मसौदे के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 750 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। अभी मौजूदा कानून में किसी भी जानवर की पिटाई, लात मारना, यातना देना, भूखा रखना, ओवरलोडिंग यानी कि अधिक सामान लाना, ओवरराइड कराना और किसी को मारना जैसे क्रूरता के किसी भी कार्य के लिए 10-50 रुपए के बीच का जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन अब मोदी सरकार इससे बड़ा बदलाव कर रही है, जिसके तहत अब जानवरों के साथ क्रूरता करने वालों पर 75,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाइनीज कंपनी ने 2 करोड़ स्मार्टफोन में डाला वायरस बैठे बिठाए की करोड़ों की कमाई। जी हाँ, आप जब कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आपको लगता है कि इसमें तो सब सही होगा, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको समझने के बाद शायद आपकी ये सोच ही बदल जाएगी। ये मामला चीन के एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी ज़ियोनी से जुड़ा है। खबर के मुताबिक
कंपनी ने करीब 2 करोड़ स्मार्टफोन या मोबाइल फोन में खुद ही वायरस डाल दिया और इसका इस्तेमाल उसने पैसे कमाने के लिए किया। कंपनी ने इससे मोटी कमाई भी की है। इस गैर कानूनी काम के लिए चीन की एक कोर्ट ने ज़ियोनी को दोषी पाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। ज़ियोनी का मोबाइल कंपनी ने 2 करोड़ से ज्यादा फोन में जानबूझकर ट्रोजन हॉर्स वायरस डाल दिया था। ये वायरस फोन में यूजर्स के बिना जानकारी के अनचाहे विज्ञापन दिखाने और दूसरे मैलिशियस एक्टिविटीज के काम में मददगार था। इससे कंपनी करोड़ों की कमाई करती रही। ज़ियोनी ने इस वायरस की मदद से $42 लाख की कमाई कर ली। रिपोर्ट की माने तो इतने समय में कंपनी का खर्च महज $13 लाख रहा था। कोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई में कंपनी के 4 अफसरों को गैर कानूनी तरीके से मोबाइल फोन को कंट्रोल करने का दोषी पाया गया। इसके लिए कोर्ट की तरफ से इन्हें 2 लाख युआन का जुर्माना और 30 से 3.5 साल तक के लिए कैद की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी हरकत की दोषी चीन और भी कंपनियां रही हैं, इसमें इनिफिक्स और टेक्नो जैसी कंपनियां भी शामिल रही हैं। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।